ओके सो ओपन पेज नंबर फोर्टी सिक्स इन बुक नाउ वी विल डू सम एक्टिविटी रिलेटेड टू चैप्टर नंबर टू दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड सेम एप्लीकेशन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इन योर फोन्स ऑल्सो ओके जिन बच्चों के पास लैपटॉप और पीसी नहीं है दे कैन डाउनलोड एम एस वर्ड फ्रॉम देयर प्ले स्टोर इन मोबाइल फोन्स ओके नाउ We will do some activity. So if you are able to see page number 46, I will open book part here also so that you can see here. So now we will do some activity, chapter number two and activity time. Okay? This thing we will discuss. ंग वी विल डू क्रिएट अ वर्न डॉक्यूमेंट एंड टाइप दैसेज इन दॉक्यूमेंट आपको क्या करना है एज एट इज ये डॉक्यूमेंट वर्ड पे टाइप करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे एम एस वर्ड का एप्लीकेशन ओपन करोगे राइट देन यू हैव टू राइट दिस थिंग्स इन योर एम एस वर्ड क्लियर सपोज आपने ये लिख लिया यू नो हाउ टू टाइप इन एम एस वर्ड राइट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन ms word and how you can open we have discussed this thing in last classes when we are doing chapter number 2 i will explain it again so just click in search bar and write here w o r d okay so this thing you have to open ms word so when you will click on word a blank presentation you have to choose okay so we have chosen this one now what we have to write according to book first of all a dot okay the sun scientist the sun scientists know many thing about आई विल कीप दिस बुक विद मी सो दैट आई कैन राइट फास्ट सो नो मैनी थिंग अबाउट दिस सन ये तो जस्ट आपको टाइप करना है ठीक है इसमें ऐसा सीखने वाला कुछ भी नहीं है इसके बाद जो पॉइंट दिए हुए ना दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव लर्न वेरी वेल टाइप सेम पैराग्राफ इन योर एम एस वर्ल्ड ओके सो आई विल टाइप सम लाइन देन आई विल शो यू देन नेक्स्ट लाइन इज दे नो हाउ ओल्ड इट इज दे नो हाउ ओल्ड it is okay next the sun is more than the sun is more than 4.5 billion years old okay 4.5 billion years old

Okay, so we have to read this point. Format the according to following instructions. Then you can see page number forty-seven. Some instructions are given, like change the font to century gothic. Okay, so, so first of all, you have to change the font. So how you can do that? You have to select this complete text. Okay, listen it carefully, beta. You have to select the complete. Text now in this font group you will be able to see this Calibri. So Calibri is the default font of your Microsoft Word. Now what we have to do? We have to change this font. So either you can scroll down and find out for this one or you can directly write here. So whatever given in the book, so it's given century. So right here century so when you will write century you will be able to see some options related to that one so century gothic this is the font we required as mentioned in the book okay so select the text come in font group and type here the appropriate font you want to change next change the font of title to 18 and paragraph to 14 okay so this one is the title the sun okay

पैराग्राफ टू फोर्टीन वी विल सिलेक्ट दिस पैराग्राफ अगेन एंड चेंज द साइज फ्रॉम इलेवन टू फोर्टीन तो अगर आपको साइज चेंज करना है बोल्ड करना है इटैलिक करना है सब काम आप कहाँ से कर सकते हो इन होम टैब इन फ़ॉन्ट ग्रुप एवरीथिंग इज देयर ओके साइज चेंज करने के लिए फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए होम टैब एंड देन फॉन्ट ग्रुप डन आपने क्या किया साइज भी चेंज कर लिया नेक्स्ट मेक द टाइटल बोल्ड एंड सेट अलाइनमेंट टू सेंटर सो दिस इज योर टाइटल अब इसको आपको क्या करना है बोल्ड करना है बोल्ड हम कहां से कर सकते हैं फ्रॉम फॉन्ट ग्रुप अगेन इन होम टैब इन फॉन्ट ग्रुप यू विल बी एबल टू सी दिस बी इधर यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हेयर विद द हेल्प ऑफ सम शॉर्टकट

अब उसको क्या करना है यू हैव टू अलाइन इट टू सेंटर आपको सेंटर में अलाइन करना है हाउ यू कैन डू दैट फ्रॉम दिस पैराग्राफ ग्रुप ओके इट्स नियर टू फ्रंट ग्रुप ओनली सो हे यू कैन सी दिस इज लेफ्ट एंड वेन यू विल क्लिक ऑन दिस आपका टाइटल कहाँ आ जाएगा इन सेंटर क्लियर एप नेम इज एमएस वर्ल्ड पेज नंबर फोर्टी सेवन वी आर डूइंग समीविटी वेरी गुड नेक्स्ट मेक दॉलोइंग वर्ड्स इटैलिक प्लेनेट्स मून्स एस्ट्रोनॉइट एंड कॉमेट्स ओके तो इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड दिए जिसको आपको इटैली करना है तो हमने पूराग्राफ पूरा पैराग्राफों भी लिखा नहीं सो आई विल जस्ट टेल यू इफ यू वॉन्ट टू डू दिस वन अगर आपको इटैली करना है सपोज आपको इस टेक्स को इटैली करना है ओके okay? कैसे करोगे सिर्फ आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है देन इन फॉन्ट ग्रुप देर इज आई आप आई पे क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा आपका इटैलिक क्लियर नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम अब ये लाइन तो हमने यहां लिखी नहीं सपोज हमको इस लाइन को करना है अंडरलाइन दे ऑल्सो नो साइज आपको इसको अंडरलाइन करना है कैसे करोगे यू हैव टू सिलेक्ट दिस लाइन ओके

कलर चेंज करना है हाउ वी कैन डू दैट आपको टाइटल सिलेक्ट करना है ठीक है इन ग्रुप यू आर एबल टू सी दिस थीम दिमलर वे आपको पैराग्राफ का भी चेंज करना है तो हम पैराग्राफ का क्या कुछ डिफरेंट कलर रख देंगे ठीक है डार्क ब्लू देन we have done the color change now next highlight the values given in the paragraph so yahan pe humne sirf ek value ko liya 4.5 ठीक है तो हम इसको हाईलाइट करेंगे हाईलाइट मतलब आपको कुछ और इसको बोल्ड कर देंगे इसको फिर इसको कुछ अलग से कलर चेंज कर देंगे ताकि हम इसको अलग से व्यू कर सके कि, कि हाँ यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स हैं कुछ वैल्यूज हैं ठीक है नेक्स्ट सेट दि टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ टू जस्टिफाई सो आई हैव टोल्ड यू अलाइनमेंट वी आर हैविंग फोर टाइप इट कैन बी सेंटर इट कैन बी राइट इट कैन बी जस्टिफाई और इट कैन बी लेफ्ट तो जैसे कि अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है पैराग्राफ ग्रुप में आओगे ठीक है दिस इज योर जस्टिफाई सो वैन यू विल क्लिक ऑन दिस इट विल ऑन जस्टिफाई अलाइनमेंट नेक्स्ट

Practical will also there. So from now, concentrate on practical work also.